कितना सारा स्टार्ट किया था, अभी 20 हो गया कैसे? तब क्या बैच 2 के था? अच्छा बोलो, कब कोई वेक्टर कंजर्वेटिव होता है? और इरोटेशनल होता है? कब का वेक्टर इरोटेशनल? दिस वेक्टर इज इरोटेशनल। इरोटेशनल के लिए क्या है बोलो? ये आता है तो, हम बोले थे तो, नोट्स पे तो सब दिया हुआ था। When curl of the vector is zero. कर्ल ऑफ द वेक्टर इज जीरो, तब इरोटेशनल है। देखो गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, सभी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल दिस थ्योरम्स, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, लाइक दिस। और कोई वेक्टर, दोनों वेक्टर है, ए क्रॉस बी और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, उसका फॉर्म क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द एंगल हाउ इट विल इट हैज वैल्यू, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इफ इट इज गिवन ए एंड बी, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट? सो मे बी गिवन, तो फाई दिया हो सकता है, ग्रेड फाई निकालना होता है कोई पॉइंट पे हो सकता है। अच्छा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम किया हुआ है, देख लेना, वो वेक्टर में दिया हुआ था। मानो एक साई दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x² z, लाइक दिस, राइट इट, साई, साई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x² z। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया है, कौन सा पॉइंट पे? -1, 1, 2। तो हम जस्ट कर दे रहे हैं, मतलब ये कर लेना। साई दिया हुआ है, साई क्या है? एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 4x² z, ये पॉइंट पे -1, 1, 2, ये पॉइंट पे क्या निकालना है? इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ साई निकालना है, ये पॉइंट पे, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ 2i हैट प्लस j हैट -2k हैट। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ साई एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस, टेक द स्नैपशॉट फ्रॉम योर मोबाइल। So this is the question, find the directional derivative of psi at this point in the direction of this. So how you can calculate? You will find out grad psi. Now that you will find out, and if you find out at that particular point, that you will get -4i हैट -4j हैट +3k हैट। जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है? नाउ यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ था, ये इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें यूनिट वेक्टर क्या है बोलो? 2i हैट प्लस जे हैट -2k हैट। इसमें इन दिस डायरेक्शन में n हैट क्या होता है बोलो? n हैट क्या होगा? 2i हैट प्लस जे हैट -2k हैट डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो? 2 स्क्वायर
plus 1 square plus minus 2 square. So this is the n hat. Now at last what you will find out? Grad psi dot n hat. So at last your task is what? Grad psi dot n hat. The answer is given as minus 38 by 3. So this is the directional derivative. Question kya tha? Question tha, psi diya hua hai, psi diya hua hai at this point. Find out the directional derivative of psi at this point in the direction of this. So iske liye kya karna hai? So you have to do, find out grad psi at the given point, then in the direction of this given, in this direction n hat, I have calculate grad psi dot n hat. So this is the directional derivative of psi. Can you hear me, students? Yes, ma'am. अच्छा बोलो तो ये कह रहे हो क्या कह रहोगे? Find the unit normal to the surface. Unit normal to the surface. Find the unit normal to the surface. Surface दिया गया है, क्या है? Z square equal to x square minus y square. Point दिया गया है 0, 1, 0 और minus 1. तीनों पॉइंट 1 0 माइनस 1. क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. पॉइंट क्या क्या है? 1 0 एंड माइनस 1. तो क्या करोगे बोलो तो? ग्रेड साई क्या है? मतलब ये सरफेस के ऊपर हम साई, मतलब इसे हम ले ले साई, मानो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. साई हम इसे ले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस साई. क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड ए यूनिट नॉर्मल. फाइंड ए यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट दिस पॉइंट. सो इफ आई टेक साई इक्वल टू दिस, देन इफ आई टेक ग्रेड साई कैलकुलेट, देन व्हाट आई विल गेट? ग्रेड साई इज व्हाट? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड साई? इट इज नॉर्मल टू द सरफेस. Grad means you are taking the normal to the surface. Okay, so psi is this. Now if I take grad psi, what I will get? Normal to the surface. So if I get grad psi, that is at that given point. Psi where? 1, 0, minus 1. At this point, grad psi equal to, if you calculate, you will get 2 into I hat plus K hat. So this is grad psi. Now I have to find out the unit normal. So n hat kya hoga? Kya hoga bolo? 2i hat plus 2k hat divided by. Kya hoga bolo? Root 8. 2 square plus 2 square. So this is the unit normal. So ek surface diya gaya hai. Seekh se samjho. Ek surface diya gaya hai. उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेड साई कैलकुलेट करना है जो पॉइंट दिया जाएगा उसमें. और यूनिट यूनिट वेक्टर तो क्या होगा? उसके ऊपर डिवाइड कर दो उसका मॉड वैल्यू से, तो ये हो जाएगा. ये हम बोले थे तुम लोगों को करने के लिए. ये प्रॉब्लम ये एमसीक्यू में आ जाएगा 2 मार्क्स के लिए. तो क्या करोगे बोलो? Grad of r to the power n equal to n r to the power n minus 2 r. ये हम बोले थे, करके भी दिखाए थे, नोट्स में भी था प्रोबेबली. ये मानो ये एमसीक्यू में दिया गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट कर दिया गया इस पोर्शन. तुम्हें चूज करना है ग्रेड ऑफ r टू दी पावर n क्या होता है. कर पाओगे? ये से प्रूफ कर पाओगे? मतलब प्रूफ तो नहीं करना है, तो ऑप्शन दिया जाएगा, तुम लोग याद कैसे रहेगा? तो करके देखना होगा. कैसे करोगे? डेरिवेटिव उसका इनटू आर. सो करोगे आई हैट डेल डेल एक्स प्लस जे हैट. बोलो
डेल वाई प्लस ही हैड डेल जेड. हाँ ये तो हो गया. आर मतलब क्या है? आर मतलब रूट ओवर. ठीक है, रूट ओवर है इसके ऊपर रूट, तो ऊपर में एन भी है तो एन बाय टू. इसके बाद कर पाओगे? Yes. करो करो, इधर से तो झट से होगा. डेल एक्स करो इसके ऊपर. ये एग्जाम में दिया हुआ था क्या? नहीं ये नहीं दिया हुआ था प्रॉब्लम. डेल टू ग्रेड स्क्वायर था उधर. बोलो डेल एक्स इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या होगा? आई कैप डेल डेल एक्स. फर्स्ट वाला डेरिवेटिव बताओ क्या होगा. हाँ तुम लोग होते क्यों हो क्लास में मुझे पता नहीं है. एन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस ये बोल नहीं पा रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू माइनस वन इनटू टू. सो दैट आई एम जस्ट चेंजिंग आई हैट डेल डेल एक्स प्लस जे हैट डेल डेल वाई प्लस के हैट डेल डेल जेड. उसके बाद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर एन बाय टू. ठीक है तो क्या होगा बोलो? आई हैट एन बाय टू देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर क्या होगा? एन बाय टू माइनस वन. उसके बाद टू एक्स. सिमिलरली जे हैट में क्या होगा? J cap n by 2 x square plus y square plus z square n by 2 minus 1 2y. same रहेगा same. और इधर क्या होगा? 2z. तो हम किसे किसे कॉमन लेके बाहर के लेके आए? n by 2 root over this term and 2. किसे किसे कॉमन लेके बाहर आए? बोलो n by 2 x square plus y square plus z power n by 2 minus 1 into 2. n by 2 को बाहर ले रहे हैं. x square plus y square plus z square क्या है उधर ऊपर में? n by 2 minus 1. n minus 2 by 2 है क्या? है. yes ma'am. yes ma'am. इसको बाहर लिए और किसे बाहर ले? एक 2 को बाहर ले रहे हैं. ठीक है अंदर क्या रहेगा? x plus y plus x i है. ये क्या है बोलो तो? आर वेक्टर आर. सिर्फ आर नहीं है वेक्टर आर है. और x square plus y square plus z square इसे ये हम हाफ के साथ ले ले तो क्या होगा? ये मतलब इसके पावर के ऊपर हाफ मतलब क्या? ये बोलो मोड आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है? ये क्या है ये जानते हो या नहीं जानते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये क्या है? आर आर के ऊपर वेक्टर नहीं दे उसका मोड वैल्यू होता है ये जानते हो या नहीं जानते हो? यस यस मैम. तो ये यहां से ही तो स्टार्ट किया गया तो बोल नहीं रहे हो. यहाँ से आर टू दी पावर एन था तो ये कैसे लिख दिए? आर मतलब ये हाफ पावर साथ में एन है तो एन बाई टू है. तो बोलो अभी आंसर क्या होगा? आर के ऊपर कितना पावर देंगे? ये मॉड वैल्यू है. बोलो आर के ऊपर कितना है पावर? एन माइनस टू. तो क्या हुआ? एन आर टू दी पावर एन माइनस टू आर ये था आर एन आर टू दी पावर एन माइनस टू एज एन आर टू दी पावर एन माइनस टू आर. तो ये हुआ आंसर. तो ये ऐसे ही तुम कैसे कह रहे बोलो? ये हुआ आंसर. तो कुछ भी दिया गया तो तुम लोगों को तो झट से कैलकुलेट करना होगा. दो मार्क्स के लिए आ सकते हैं ये. बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है तो तुम लोगों को तो करना है. नहीं कर पाओगे तो जीरो मिलेगा. ए
एक प्रॉब्लम दिया गया है, ए का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है कि ग्रेड ऑफ ए डॉट आर इक्वल टू ए, मतलब ये छोटा छोटा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब दिया गया है ग्रेड ऑफ ए डॉट आर डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू ए, ए इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेक्टर मतलब ए है कैसे ए वन आई हैट प्लस ए टू जे हैट, ए मतलब कॉन्स्टेंट वेक्टर, मतलब क्या है ए वन आई हैट प्लस ए टू जे हैट प्लस ए थ्री के हैट लाइक दिस, तो ये कॉन्स्टेंट वेक्टर दिया गया है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है सो दैट दिस ग्रेड ऑफ ए डॉट आर इक्वल टू ए, ये प्रूफ दैट करना है, और तुम लोगों का दिया भी जा सकता है द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू ए, जस्ट जैसे किया गया है ए के जगह पे ए वन आई हैट ए टू आई जे हैट ऐसे करके करोगे, और आर मतलब एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जेड के हैट करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद उसके ऊपर ग्रेड लोगे, देखना ये ए आ जाएगा, ऐसा छोटा सा प्रॉब्लम, मतलब इफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट देन यू कैन, सुनो लिख के रखो सोर्स फील्ड कब होता है, डाइवर्जेंस ये सब हम कराए हैं, सोर्स सिंक देख लेना, डाइवर्जेंस पे कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर डाइवर्जेंस है पॉजिटिव तो क्या होगा सोर्स, डाइवर्जेंस ऑफ क्या निकला पॉजिटिव निकला तो होगा सोर्स, कोई भी वेक्टर दिया गया वेक्टर फील्ड ना उसके ऊपर तुम्हें डाइवर्जेंस लेना है, ठीक से देखना है, ग्रेड मत कर देना, ये डाइवर्जेंस है, ये पॉजिटिव आया तो सोर्स फील्ड नहीं तो सिंक फील्ड, ठीक है, ये अब ये हम दिए थे डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर क्यूब, ये भी बहुत बार आया है, जब पता नहीं क्या होगा तुम लोग कैसे दिया जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर क्यूब, ऊपर वाला आर है वेक्टर आर और नीचे वाला जो आर है दिस इज मॉड, सो द वैल्यू इसका जो आता है ना इसका वैल्यू जीरो आता है, कर लेना नहीं तो याद रखना है ना, ग्रेड स्क्वायर एलेनआर वैल्यू आता है वन बाई आर स्क्वायर, देख लेना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ग्रेड स्क्वायर एलेनआर इक्वल टू क्या होता है वैल्यू वन बाई आर स्क्वायर, क्या करोगे आर मतलब पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, तो एलेन उसके ऊपर वो रूट है तो मतलब हाफ इधर आ जाएगा, हाफ को बाहर कर देना उसके ऊपर डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर, कर लेना एक्स वाई जेड में आर में कन्वर्ट कर लेना, कोई भी वेक्टर रोटेशनल के लिए क्या प्रूफ करना है, बहुत सारा क्लास टेस्ट में गलत किया हो, जो सोलिनोइडल हम दिए थे उसमें इरोटेशनल कर दिए, सोलिनोइडल में डाइवर्जेंस जीरो और इरोटेशनल में कर्ल जीरो, याद रखना और जो थ्योरम हम बताए वो थ्योरम याद रखना, स्टोक्स थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कब कंडीशन क्या होता है नोट देख लेना, मतलब ओपन सरफेस के लिए कौन सा होता है क्लोज सरफेस के लिए कौन सा होता है ये सब समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये सब रिलेशन दिया हो सकता है देख लेना, काई इक्वल टू क्या था इप्सिलॉन आर माइनस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले प्रूफ करने के लिए दिया जाता था अभी दिया जा सकता है, और काई का एक्सप्रेशन क्या ये सब एक्सप्रेशन देख लेना पी बाई इप्सिलॉन जीरो ई, पोलर डायलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स पीपीटी में दिया हुआ है लिख के रखो एग्जाम्पल देख लेना, पोलर डायलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स एग्जाम्पल देख लेना, पोलराइजेबिलिटी अल्फा
पोलराइजेबिलिटी अल्फा का डिफरेंट एक्सप्रेशन है अल्फा, वो देख लेना। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी। द डेफिनेशन देख लेना, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डेफिनेशन देख लेना। और इसे हम d, इसे सिग्मा को हम कभी कभी d लिख सकते हैं, d इक्वल टू इप्सिलॉन जीरो ई प्लस पी। ये सब एमसीक्यू में दिया हो सकता है। छोटा छोटा इसका प्रूफ, ये जो प्रूफ था ये दो मार्क्स के लिए, पता नहीं तुम लोग को कैसे लिखना है, लिखने का ऑप्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, पर ये सब एक्सप्रेशन याद रखना, पोलराइजेबिलिटी का एक्सप्रेशन सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी का एक एक्सप्रेशन है अल्फा ई का, ये बहुत बार आया है पहले प्रूफ करने के लिए आता था, इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर माइनस वन बाय एन, ये आता था पहले बहुत बार। और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन का हो जो है अल्फा, वो एक्सप्रेशन याद रखना क्या है, म्यू स्क्वायर बाय थ्री के बी टी, ये म्यू स्क्वायर है, ये है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ये एक्सप्रेशन हम बोले थे कि इंपॉर्टेंट है, देखो तो अल्फा ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए क्यूब, ये हम बोले थे, याद करके बोलो तो। यस मैम। ए क्यूब क्या है बोलो। सो ये दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ये क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ द एटम, ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द एटम, ए क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हिच, वॉल्यूम टू व्हिच, द वॉल्यूम। ये सब याद रख लेना क्योंकि कब कहां से क्या आएगा पता नहीं। ऐसे दिया जाता है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, बोलो तो अभी हम डिस्कस किए ई डी एन पी ए सेमिस्टर में बहुत बार आया है, the relation between three electric vectors E, D and P is, the relation between the three electric vectors E, D, P is, what is this? Bolo, abhi to hum bole. Kya bolo? E, D, P ke beech mein relation? Huh? D equal to epsilon naught E plus P. D equal to epsilon 0 E plus P. ये बहुत बार आया सेमिस्टर में, आया एमसीक्यू में भी आया। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, व्हाट इज दिस, अभी हम डिस्कस किए ना, काई इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस वन, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा टर्म याद में रखना क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं है पर दिया जा सकता है। करंट डेंसिटी मतलब जानते हो, करंट डेंसिटी जानते हो, हाँ एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, यस मैम। तो करंट डेंसिटी जे को जे देके बोला जाता है, करंट डेंसिटी को बोला जाता है जे, जे इक्वल टू क्या होता है आई बाय एस होता है, आई बाय एस करंट पर एरिया, ठीक है ये याद रखना। और एक ड्रिप वेलोसिटी एक चीज है कि चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
it experience a force. Do you know when a charge particle is placed in an electric field, it experience a force? What is the name of the force? Lorentz force. Lorentz force. Now, if the electric field is constant, अभी जो charge particle है constant electric field में रखा जाता है, तो particle will have an average velocity. ठीक है? तो पार्टिकल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट. तब जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी होता है उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, एक पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तब जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है उसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का जो रिलेशन है, I इक्वल टू वी डी रो एस. वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और जो रो है, रो मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. और एस इज द एरिया. ठीक है, एस इज द एरिया एंड रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. एंड दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट. ऑल्सो रिमेंबर दिस वन. तो जे क्या होगा बोलो, तो आई बाई एस कर दे तो जे क्या होगा बोलो. यहां से बी डी रो करेंट डेंसिटी के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? बी डी रो. तो करेंट डेंसिटी के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ही याद रखना. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मोबिलिटी का भी एक रिलेशन है. हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू ई. म्यू क्या है इधर? ये मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज रिलेटेड टू अ कांस्टेंट कॉल्ड द मोबिलिटी म्यू. मतलब वी डी प्रोपोर्शनल टू ई है. एक्चुअली वी डी प्रोपोर्शनल टू क्या है? ई है. इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा. हम इसको उठा दे, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वल टू डाल दे, तो एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी. ओके, ये टर्म सभी याद में रखो. मोबिलिटी न्यू मीन्स मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. And either this is the drift velocity and mobility relation. And equation of continuity, जानते हो? Yes, ma'am. A1V1 equal to A2V2. हम बता रहे ऐसे नहीं होगा. In terms of current density याद रखना होगा. Divergence of J plus del rho by del t, that is equal to zero. This is the equation of continuity. Remember this one. Equation of continuity is written as divergence of J plus del rho by del t. What is J? J क्या है? Current density. Current density. ठीक है, J है current density. अभी बोलो steady current के लिए equation of continuity क्या होगा? स्टेडी करंट के लिए क्या होगा बोलो? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोल सकते हो? मतलब रो जीरो है, स्टेडी करंट के लिए रो जीरो है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? समझ में आया? स्टेडी करंट के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? हाँ, बोलो मैग्नेटिक वेक्टर, इंडक्शन वेक्टर के यूनिट बताओ. मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर का यूनिट जानते हो? बी का यूनिट टेस्ला. टेस्ला होता है बा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है. वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है. और क्या होता है?
टेस्ला। अच्छा बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस लिया जाता है तो क्या आता है वैल्यू? डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होता है? हम बोले थे ये सब जब मैक्सवेल इक्वेशन कराए थे। बोलो डाइवर्जेंस ऑफ बी की वैल्यू क्या होता है? जानते हो? यस और नो टेल मी। जीरो मैम। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज द सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, डू यू नो दिस वैल्यू? जीरो। जीरो। देखो अभी लैंग्वेज पे इसका डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे हो सकता है, सभी लैंग्वेज पे लिखो अभी। मैग्नेटिक फील्ड इज डाइवर्जेंस जीरो मतलब क्या है? बोलो मैग्नेटिक फील्ड इज बट किसी का डाइवर्जेंस जीरो होता है तो मैग्नेटिक उसका क्या ना होता है, मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? अभी तो हम बोले स्टार्टिंग ऑफ द क्लास सोलेनोइडल। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनोइडल इन नेचर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इज सोलेनोइडल इन नेचर, इट इज डाइवर्जेंस लेस। सेकेंड लिखो, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सेम। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सेम। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इसका डाइवर्जेंस जीरो है, ये एक दूसरे लैंग्वेज पे है, मतलब सेम चीज है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। और इसे एक और भी टर्म पे बोला जा सकता है डाइवर्जेंस ऑफ बी को, लिखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। This is the differential form of Gauss law in magnetostatics. Divergence of B equal to zero. इसका और एक नाम है, तुम लोगों का जैसा बहुत सारा नाम है, घर का एक नाम, बाहर का एक नाम, कॉलेज का एक नाम, वैसे ही the differential form of Gauss law in magnetostatics. What is this? What is the differential form of Gauss law in magnetostatics? This is divergence of B equal to zero. समझ में आया? दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अच्छा बोलो तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है? जानते हो? बी डॉट डी एल ये होता है म्यू जीरो आई, दिस इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ, दिस इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ का और एक फॉर्म भी है, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे। This is integral form of Ampere's circuital law and this is differential form of Ampere's circuital law. Same. Integral form and differential form. और एक expression याद रखना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हम बी डॉट डी एस किए के करे तो क्या होगा, इसका वैल्यू जीरो आता है। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एस इज अ क्लोज सरफेस, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एस इज अ क्लोज सरफेस, देन इफ वी टेक द इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस का वैल्यू जीरो होता है। Displacement current, displacement current is displacement current density. What is JD? J, you know, this is current density, that is written as del D by del T. D matlab displacement, this is displacement
एंड जे मतलब क्या करंट डेंसिटी, सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी इज डेल डी बाय डेल टी. चार मैक्सवेल इक्वेशन पता है, लास्ट जो मैक्सवेल इक्वेशन था फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, कैन यू सी, कैन यू टेल मी. मैम ब्लैट क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी. ओ इधर हम क्लीन कर रहे हैं इसे. क्लियर फ्रेम, नहीं तो नहीं होगा. ये डिफरेंशियल में लिख रहे हैं कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो, ऐसे लिख सकते जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, ये हम लिख सकते हैं. और डेल डी बाय डेल टी ये क्या हो सकता है, दैट इज इप्सिलॉन जीरो डेल ई बाय डेल टी. तो इसे इसे कन्वर्ट कर दो तो इधर इसको भी लिख सकते हो. तो एक्चुअली है ये यहां से म्यू जीरो जे प्लस जे डी, समझ में आया. तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, दोनों का साम है ये. एक्चुअली क्या था, मैक्सवेल करेक्ट किया था इस इक्वेशन को, एम्पियर सर्कुलर लॉ को. एम्पियर सर्कुलर लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म था कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू जीरो जे. नाउ दिस टर्म वाज एडेड एक्स्ट्रा बाय करेक्टेड बाय मैक्सवेल. एंड व्हाट इज दिस टर्म, जे डी, दैट इज डेल डी बाय डेल टी, दैट इज इक्वल टू योर जे डी. व्हाट इज दिस, इप्सिलॉन जीरो डेल ई बाय डेल टी. सो दिस इज द इक्वेशन. सो ऑल द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म यू विल रिमेम्बर. अच्छा बोलो, मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस ये देख लेना, वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस ये देख लेना, ये सब नोट पे दिया गया है. अभी बोलो, ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है, ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है. कौन सा, सी का वैल्यू बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट रूट ओवर क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट. और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन क्या होता है, प्रूफ किए थे हम, म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो डेल टू बी बाय डेल टी स्क्वायर होता है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर ही लिख दोगे, सेम हो जाएगा. तुम लोगों का ये नहीं है, ताओ उसके बाद भी हम पॉइंटिंग वेक्टर को दिखा बोल रहे. पॉइंटिंग वेक्टर एक चीज होता है, मतलब वो हम कैसे बोले, सिलेबस में नहीं है पर कभी कभी आ जाता है. ये है पी को लिखो पॉइंटिंग वेक्टर, इसे बोला जाता है इक्रॉस एच, ये याद रखना. That is electric field and magnetic field के बीच में relation. Pointing vector, P is pointing vector. This is written as E cross H. Pointing vector. It is written as E cross H. E cross H होता है pointing vector. और ये भी syllabus में नहीं है पर पता नहीं कब क्या कर देते हैं. मतलब ये second year में पहले था. Delta मतलब इसको लिखो skin depth. Skin depth. 2 by root over ओमेगा म्यू सिग्मा, ओमेगा म्यू सिग्मा बोल रहा है क्योंकि पहले बहुत बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है. स्किन डेप्थ डेल्टा इक्वल टू स्किन डेप्थ दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 बाय ओमेगा म्यू सिग्मा, यह है स्किन डेप्थ. ठीक है, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? यस मैम. अच्छा डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो डिफरेंस है देख लेना. ठीक है, लिखने के लिए तो नहीं दिया जाएगा पर एमसीक्यू में कोई भी एक पॉइंट को लेके दिया जा सकता है. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखो, दोनों सब कुछ है उसमें, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस. ठीक है, वेव फ्रंट कौन सा क्या होता है ये सब देख लेना, डिफ्रैक्शन का पीपीटी देख लेना.
सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है, हाँ ये सब देख लेना वहां से बेसिक चीज, और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, और मिसिंग ऑर्डर, मिसिंग ऑर्डर का ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, मिसिंग ऑर्डर के ऊपर, मिसिंग ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है। अच्छा बोलो तो, डिड्यूस द मिसिंग ऑर्डर्स फॉर ए डबल स्लिप फ्रंट हॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न, सुनो ठीक से, डिड्यूस द मिसिंग ऑर्डर फॉर ए डबल स्लिट फ्रंट हॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न इफ द स्लिट विद इज 0.16 मिलीमीटर। मिसिंग ऑर्डर निकालने के लिए बोला जा रहा है, मिसिंग ऑर्डर निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, स्लिट विद है कितना बोला जा रहा है, स्लिट विद कितना है 0.16 मिलीमीटर, एंड दे आर 0.8 मिलीमीटर अपार्ट। आंसर क्या होगा बोलो, डिड्यूस द मिसिंग ऑर्डर्स ऑफ ए डबल स्लिट फ्रंट हॉपर डिफ्रैक्शन इफ द स्लिट विथ इज दिस एंड दे आर 0.8 मिलीमीटर अपार्ट। हम बोले थे इसमें से बहुत न्यूमेरिकल आता है, बोलो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए प्लस बी बाई आई ए इक्वल टू एन बाई एम। हाँ बोलो क्या होगा, देखो एन बाई एम सिक्स हो गया, एन बाई एम क्या हुआ सिक्स, तो एन इक्वल टू क्या हुआ सिक्स एम, चले एन का वैल्यू क्या क्या होगा 6, 12, 18 ऐसा करके, एम जब वन होगा, एम जब वन होगा एन का वैल्यू होगा 6, तो आंसर क्या है बोलो, 18 करते ऐसा चलता रहेगा 6, 12, 18 एटसेट्रा, तो ऐसे तीन लिखा रहेगा मिसिंग ऑर्डर्स नंबर, 6 के जगह पर दे दिया 3, 6 एंड 9, एक जगह पे होगा 6, 12, 18, तो मिसिंग ऑर्डर्स के लिए न्यूमेरिकल आता है, 2 मार्क्स के लिए आ ही सकता है, बहुत बहुत छोटा है ये, समझ में आया। अच्छा पोलराइजेशन से बोलो तो, पोलराइजेशन से कौन कौन सा आता है, ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ब्रूस्टर्स लॉ के ऊपर प्रॉब्लम आता है, क्वार्टर वेव प्लेट हाफ वेव प्लेट के ऊपर प्रॉब्लम आता है, अच्छा बोलो कैलकुलेट द पोलराइजिंग एंगल फॉर ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 टू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53। बोलो पोलराइजिंग एंगल निकालना है, कैसे करोगे, म्यू 2 बाय म्यू 1 इज 10 आईपी। हाँ तो कहां से 1.33 से 1.553 तक, ठीक है, तो म्यू निकलेगा, म्यू इक्वल टू क्वार्ट 10 थीटा पी, तो 10 क्या होगा 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33, ये गलत मत कर देना, इसको उल्टा मत कर देना, माने फ्रॉम दिस टू दिस, तो म्यू 2 बाय म्यू 1, तो थीटा भी निकल जाएगा यहां से, बहुत बार आया है ये, और क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट का फॉर्मूला पता है ना थिकनेस के लिए, है तो है या नहीं, यस मैम, यस मैम, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए बोले तो होगा थीटा पी प्लस आर इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 2, ठीक है यहां से निकल जाएगा। अच्छा ये सब फॉर्मूला जानते हो तो, ये सब फॉर्मूला म्यू ओ इक्वल टू व्हाट सी बाय वी ओ, ये एक दिया जाए तो दूसरा निकाल सकते हो, म्यू ई इक्वल टू व्हाट सी बाय वी, अब वेलोसिटी ऑफ ओ रे ई रे दिया जाए तो इससे निकाल सकते हो, ए
लेजर में आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का रिलेशन दिया जा सकता है, कौन कौन सा है? B12 इक्वल टू B21, ठीक है, और कौन सा है? A21 by B21 इक्वल टू 8πh न्यू क्यूब बाय सी क्यूब। ये दो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अच्छा बोलो, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर? तीन होता है, क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर क्या होता है? एन एक्टिव मीडियम, एक्टिव मीडियम होता है जो चाहिए मतलब मॉलिक्यूल एटम के लिए। उसके बाद पंपिंग सिस्टम, ऑप्टिकल रेजोनेटर, एक्सटर्नल पंपिंग सिस्टम, ठीक है, और है ऑप्टिकल रेजोनेटर। दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। अच्छा बोलो, व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन? जब हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा एटम्स रहेगा लोअर से, माने मतलब n2 ग्रेटर देन n1 होगा, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन। व्हाट इज पंपिंग, याद रखना। अच्छा बोलो, रूबी लेजर में कौन सा पंपिंग होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ पंपिंग मेथड्स आर देयर, रूबी लेजर में कौन सा पंपिंग होता है? ज़ेनॉन फ्लैश लैंप है, कौन सा पंपिंग? लिखो, रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग होता है। रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग होता है। रूबी इज सॉलिड स्टेट लेजर, रूबी इज सॉलिड स्टेट लेजर एंड हीलियम नियॉन लेजर इज गैस लेजर, रिमेंबर दिस वन। रूबी लेजर से कौन सा लाइट निकलता है, कौन सा कलर का लाइट निकलता है रूबी लेजर से? रेड निकलता है, ठीक है, रेड कलर का लाइट निकलता है रूबी लेजर से। मेटास्टेबल स्टेट कौन सा दो स्टेट के बीच में है? मेटास्टेबल स्टेट कौन दो स्टेट के बीच में है? एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, हाँ, इन दोनों के बीच में है। अच्छा बोलो, जो रेड लाइट जो एनर्जी लेवल होता है रूबी लेजर में, जो रूबी लेजिंग एक्शन में जो एनर्जी लेवल होता है, तो कौन सा एलिमेंट का एनर्जी लेवल है? वो क्रोमियम का है, याद रखना, एनर्जी लेवल ऑफ क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम के एनर्जी लेवल पे मेटास्टेबल स्टेट है, ठीक है, और हमें लेजिंग एक्शन के लिए मेटास्टेबल स्टेट चाहिए। सो मेटास्टेबल हैज लाइफ टाइम लॉन्गर देन, मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम किससे ज्यादा होता है? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होता है, ठीक है, उसका लाइफ टाइम, द लाइफ टाइम ऑफ द, So metastable state has lifetime longer than excited state. अच्छा, excited state has lifetime of the order of कितना? -8 सेकेंड। और मेटास्टेबल स्टेट का प्रोबेबली दिया हुआ है, देख लेना, 10^-3 ऐसा होगा, लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। और दोनों मैंने मतलब इसमें लेजर से प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब दोनों एनर्जी लेवल का मानो डिफरेंस चाहिए। ए मतलब क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एच नी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिख के रखो, मतलब दो एनर्जी स्टेट, एक एनर्जी स्टेट में से दूसरे एनर्जी स्टेट पे जाना है, ठीक है, तो E2 - E1 एनर्जी डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू एच नी होता है, एच नी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला लगाना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो देख लेना, ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम पे लगेगा। एच नी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा।
हम सुनो, अच्छा सुनो, हेलो स्टूडेंट, सुन ले हो? यस मैम। सुनो, हम आज के बाद क्या क्लास लें या कुछ प्रॉब्लम आए तो हम उसको पोस्ट कर दें ग्रुप पे, मतलब प्रॉब्लम हमें देख रहे देख ले के देखने से इंपॉर्टेंट लगा तो हम ग्रुप में पेस्ट कर देंगे। यस मैम। क्या करेंगे बोलो तो, क्योंकि 2 अगस्त से तो तुम लोग का एग्जाम है। तो आज लास्ट क्लास छोड़ो, और जितना भी हमें लग रहा है कोई की प्रॉब्लम तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो हम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे फोटो लेके, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रॉब्लम पढ़ो अब से, मुझे जो बोलना है टोटल नोट को समराइज करो और पूरा का पूरा पढ़ो। हम तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सभी चैप्टर से बोल दिया, क्योंकि एमसीक्यू है इसमें तो छोटा क्वेश्चन तो टिक ही देना होगा, एमसीक्यू टाइप होगा या आंसर न्यूमेरिकल आए भी तो उसका भी चूज करना होगा प्रोसीड्योर फॉलो करके। तो जितना भी नोट्स, तो तुम लोगों के पास सब कुछ नोट है। हाँ, और एक हम बता रहे, हम फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें 3-4 मेरा पीपीटी है वो हम भेज देंगे, एक बार उसको देख लेना, ठीक है? और कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम ग्रुप पे दे देंगे, देख लेना, और ये इम्पोर्टेंट लिख के दे देंगे, ठीक है? और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेमिस्टर एग्जाम। अच्छे से पढ़ो और उसके बाद एग्जाम दो, ठीक है? तो आज के बाद हम क्लास नहीं ले रहे हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो फोन करके पूछ सकते हो, और मेरे हिसाब से अभी पढ़ो क्योंकि एग्जाम अभी आ गया एकदम। और ग्रुप में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया और कुछ प्रॉब्लम मुझे लगा कि तुम लोगों को करना चाहिए तो हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है? ओके ओके मैम, ठीक है, तो क्लास लीव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम।